भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सोमवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो रही है। जोहानिसबर्ग में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है और यहां अब उसकी नज़र सीरीज पर कब्जा करने की है। मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ ने मीडिया से बात की। राहुल द्रविड़ ने कहा कि मैंने भी अपने करियर में कई ऐसी पारियां खेली हैं जहां मैं अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाया। हर कोई चाहता है कि आप बड़ा स्कोर करें। अभी तक केएल राहुल ने अच्छा काम किया है। आने वाले मैच में बाकी खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि जब आप लंबे वक्त तक खेलते हो तो आपके पास करियर में होता है कि आप बढ़िया खेल रहे हो लेकिन बड़ा स्कोर ना बन पाए। सिर्फ एक पारी की बात है, जब बड़ा स्कोर भी आएगा ऐसे में ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। पुजारा को लेकर द्रविड़ ने कहा कि वो खुद ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे, उनका स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है और ऐसे में उनके लिए मुश्किल हो रही है, लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में खेलना मुश्किल होता है।